Hi guys, this is Priyanka and you are watching Organizopedia. तो आज का ये जो वीडियो है, again it is very highly requested, जो कि है utility organization पर. Yes, utility organization. Finally, हम इस rental hack series के part 4 में हैं, जिसमें हम आज utility organization के बारे में बात करेंगे. कि हम किस तरीके से यूटिलिटी एरिया को अच्छे तरीके से उस स्पेस को यूज कर सकते हैं और उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मेल्स आए थे, उसमें मुझे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे थे कि हमारे पास में एक ही बालकनी है जिसमें हमारे पास में हम यूटेंसिल्स भी क्लीन करते हैं, हम वॉशिंग मशीन भी हमने वहीं रखा हुआ है, उसको ही मैंने डेकोरेट भी करा हुआ है, किसी के पास में बहुत छोटा सा यूटिलिटी एरिया है जिसमें कि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है कि वो वॉशिंग मशीन भी रख ले और उसके बाद में और भी वहाँ पर कुछ सामान रखा जा सके. तो इन सारी ही चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने आज कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नोट डाउन करके भी रखे हुए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में ही मैं आज बात करूंगी. सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास में सिर्फ एक ही बालकनी है तो चिंता की कोई बात नहीं है. आप अपना जो बर्तन जहाँ भी आपका सिंक लगा हुआ है वो आप एक साइड पे रखिए, उसके ऑपोजिट साइड में आप आपकी मशीन रखिए, वॉशिंग मशीन रखिए, ताकि आपको भी एक स्पेस मिल पाए दोनों एरियाज को ढंग से एक टाइम पे रेगुलेट करने के लिए. इफ इन केस आपकी मेड है या आप हैं यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं और सेम टाइम पर अगर वॉशिंग मशीन भी चल रही है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए उस सेम एरिया में दोनों चीजों को एक बार में ऑपरेट करना. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. अब आपके पास में जो बीच में जो स्पेस आएगा, जैसे कि आपके सिंक और वॉशिंग मशीन के बीच में वाला जो स्पेस है वहां पर आप कुछ पॉट्स रख लीजिए. पॉट रखने के लिए भी आपके पास में स्टैंड्स ले आइए, उस स्टैंड के ऊपर रखिए. जैसे कि अगर आपके पास में कोई पुराना शू रैक पड़ा हुआ है तो वो आप आपके बैल्कनी में रख दीजिए. उसके ऊपर कुछ छोटे सकलेंस है या कुछ छोटे मोटे जो प्लांट्स है वो आप उसके ऊपर अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं. अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपके पास में स्पेस का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपके पास में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब ये इस तरीके का आप एक स्टैंड परचेज करिए जो कि आप अभी यहाँ आपकी इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पर. तो इस तरीके से आप वर्टिकली जो आपका एक स्पेस है उसको आप ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं. अगेन एक और जो प्रॉब्लम आई है, जबकि मैं भी जब अपना ये यूटिलिटी एरिया को ऑर्गेनाइज कर रही थी तब मैंने भी एक प्रॉब्लम फेस करी है और वो ये है कि मेरे जो दो साइड्स हैं बालकनी के वो ओपन थे. ओपन इन द सेंस कि वहां पर मेरे पास में रेलिंग आ रहा था जो कि बाहर की तरफ है. अगर मैं इस मशीन के ऊपर ये स्टैंड रख भी देती हूँ तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कभी तेज हवा आए या मैं भी कोई सामान उठाती हूँ तो वो नीचे जा सकता है. रेंटर्स के लिए एक सबसे जो इकोनॉमिकल इसका जो एक हैक है वो ये है कि आप इस तरीके का एक जो मैश आपके पास कवर्स आते हैं, जो मैश वाली जो ये कवरिंग्स आती है जो स्पेशली आपने देखा होगा प्लांट्स को कवर करने के लिए होती है, ये रबर की बनी हुई होती है जिसको कट करना, फिक्स करना सब कुछ बहुत आसान है. आप बहुत इजीली इसको लगा सकते हैं और ये आपको किसी भी तरीके की लोकल हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी. ये आपको मिलेगा 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट. जैसे मैंने इस तरीके के एस हुक्स लगा लिए हैं और इसमें मैंने अपना जो मेरा ये वायर्ड मैश वाली जो ग्रीन चिक है उसको मैंने इस पर हैंग कर दिया है. उससे होगा ये कि अब कितनी भी तेज हवा चले या मैं भी कोई सामान उठाऊं तो सामान जो है वो मेरी बालकनी में ही गिरेगा, नीचे नहीं जाएगा, तो वो मैं एक तरीके से टेंशन फ्री हो गई हूँ. तो अगर आपका भी कोई जहां पर आपने मशीन रखी हुई है वो आपके रेलिंग पर आ रही है और आपको भी लगता है कि अगर आप इसके ऊपर वर्टिकली कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो नीचे गिर सकती है, तो आप इस तरीके से वायर्ड मैश को लगा करके आप उस चीज को खत्म कर सकते हैं जो आपका एक गिरने के लिए एक नीचे गिर जाएगा उसका जो एक टेंशन है उससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे. तो जो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं वो ये आए हैं कि हम अपने जो ब्रूम्स होते हैं, वाइपर्स होते हैं, डस्ट पैन्स होते हैं, उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें. के लिए आप इस तरीके के मॉप ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जिनको आप वॉल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं. और अगर आप फिर भी इनको भी परचेज नहीं करना चाहते हैं दो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस मॉप ऑर्गेनाइजर का. अगर आप स्टिल ये ऑर्गेनाइजर को परचेज नहीं करना चाहते हैं तो एक और इकोनॉमिकल वे है इस चीज को ओवरकम करने के लिए, वो ये है कि आप जो मार्केट में जो हमें क्लोथ्स में टांगने के लिए जो हैंगर्स आते हैं या फिर मैं बोलूँ जो खूंटियां आती हैं
जिसमें आपको बहुत सारे स्लॉट्स मिल जाते हैं हैंग करने के लिए, आप उस तरह की एक खूंटी ला करके एक वॉल पर लगा दीजिए। तो ये तो हो गया एक और हैक आपके ब्रूम्स को या फिर जो मॉब्स हैं इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आपके पास में स्पेस बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट है स्पेस का, तो सब चीजें रखने की कोशिश मत करिए कि जो हमारे स्टॉक है वो भी प्रोडक्ट हम यहीं रख लेते हैं, जो हम यूज नहीं कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली वो भी हम यहीं पर रख लेते हैं, वो मत करिए। वो करने से आपका स्पेस और ज्यादा क्लटर्ड हो जाएगा, उसको क्लीन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉन्ड्री एसेंशियल्स ही रखिए, जो आपके क्लीनिंग या फिर जो लॉन्ड्री एसेंशियल्स हैं वही आप प्लीज एक कोशिश करिए। अगर आपके पास में स्पेस है वॉशिंग मशीन के ऊपर रखने के लिए, तो आप वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दीजिए, आप वहां पर उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते। अगर आपके पास में सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो इस तरीके के भी कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप मशीन के साइड में रख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना सारा जितना भी आपका लॉन्ड्री या फिर जो क्लीनिंग एसेंशियल है वो यहाँ पर इस टियर्स में आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो इसको निकाल करके क्लीन करना भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अगर आपके पास में कुछ इस तरीके के जो प्लम्बिंग पाइप्स हैं, अगर वो निकल रहे हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हैवी चीज नहीं, छोटी छोटी बास्केट्स आप वहां पर किसी एक मेटल बैंगल की हेल्प से उस पर हैंग कर सकते हैं, और आपके जो स्क्रबर्स होते हैं या कुछ भी छोटा मोटा सामान होता है जो आपका क्लीनिंग एसेंशियल है, कुछ टूल्स है, वो आप उसमें आराम से उस बास्केट के अंदर रख सकते हैं। नेवर कीप एनीथिंग ऑन द फ्लोर, उसकी वजह से आपका जो फ्लोर होगा वो बहुत गंदा हो जाएगा, उसको क्लीन करना भी डिफिकल्ट होगा। और तो ये तो सारे हो गए कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपको छोटे या फिर कम जगह वाले यूटिलिटी एरिया को ऑर्गेनाइज करने में ये टिप्स हेल्प करेंगे। नाउ आई वांट टू शो यू माय यूटिलिटी एरिया, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है। जब आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तभी मैंने उस एरिया को सोचा कि नाउ इट्स हाई टाइम टू गिव इट अ मेकओवर, तो मैंने तब जाके वहां पर उसको करा है। अदरवाइज आई वॉज ऑल्सो कीपिंग एवरीथिंग ऑन द मशीन, और उसकी वजह से मशीन में बहुत ज्यादा स्क्रैचेज आ गए हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो ये करा कि मैंने अपनी मशीन को एक अच्छे से पेपर की हेल्प से उसे कवर कर दिया, ताकि अब उसमें कोई भी तरीके का स्क्रैच ना आए। और जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है, इसके ऊपर मैंने कम्प्लीटली टेप लगा दिया, ताकि वो वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाए, ताकि मैं जब यहाँ पर कुछ रखती हूँ पानी गिरे तो वो पेपर खराब ना हो, उसे मुझे जल्दी जल्दी चेंज ना करना पड़े। मैं अगर मेरे यूटिलिटी एरिया के बारे में अगर बात करूं, तो ये जो एरिया है ये है 4x4 का, जो कि आप इमेजिन करिए इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो मेरे की अगर मैं बात करती हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ मुझे उतना ही स्पेस है जिसमें कि मैं एक वॉशिंग मशीन रख सकती हूँ, अदरवाइज एक तो बकेट्स रख सकती हूँ, रेस्ट मेरे पास कोई भी तरीके का स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी और चीज रख पाऊँ। सो आई कम अप विद दिस आइडिया, व्हाई नॉट टू गेट समथिंग जिससे कि मैं वर्टिकली स्पेस को ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाऊँ या यूज कर पाऊँ। स्क्रोलिंग ऑन Amazon एंड आई गॉट दिस प्रोडक्ट, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे मिल गया, एंड आई स्पेंड लाइक 1400 bucks फॉर दिस पर्टिकुलर स्टैंड। ये बहुत ही पोर्टेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है, मुझे लगता है इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप रेंटर हैं तो ये डिसमेंटल हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, आप इसको जहां जा रहे हैं वहां पर आप इसको फिर से असेंबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस वाले जो स्टैंड है वो मुझे तो बहुत ही यूजफुल लगा, एंड अभी मुझे लॉन्ड्री, आई जस्ट हेट डूइंग लॉन्ड्री, बट उस एरिया को ढंग से ऑर्गेनाइज्ड एरिया को देख के मुझे लॉन्ड्री करने का भी मन करता है कि नहीं नो प्रॉब्लम चलो कर लेते हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मशीन के ऊपर ये जो स्टील वाला स्टैंड है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। एंड अगर मैं टॉप से बात करती हूँ, तो सबसे पहले ऊपर में मैंने रखा हुआ है, ये मेरा एक मॉप क्लीनर है, जो कि कभी मेड नहीं आ रही हो तो उसको क्लीन करने के लिए मैंने इसे सबसे इसको ऊपर रखा हुआ है, ताकि ये हैंडी हो, मैं इसको निकाल सकूं। और इसके ही राइट साइड में मैंने यहाँ पर एक बास्केट रखी हुई है, जो कि मेरे क्लोथ्स को जब भी मैं ड्राई कर लेती हूँ, ड्राई जो क्लोथ्स होते हैं उनको मैं इस पे रख लेती हूँ, एंड देन आई टेक दिस होल बास्केट विद मी एंड हैंग माई क्लोथ्स ऑन माई हैंगर। तो ये तो हो गया टॉप शेल्फ। तो अब मैं इस मशीन के ऊपर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर 3 ब्लू कलर की बास्केट्स रखी हैं, एंड दिस टाइम आई चोज ब्लू कलर, ताकि ये थोड़ा सा सुंदर लगे, कोऑर्डिनेटेड लगे, कलर कोऑर्डिनेटेड लगे। तो उस वजह से मैंने आई ट्राई टू कीप एवरीथिंग इन ब्लू कलर। और सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है एक क्लीनिंग ब्रश,
और यहाँ पर इस केस के अंदर मैंने एक छोटा सा जो है वो सोप रखा हुआ है, क्लोथ सोप रखा हुआ है. तो ये एक इस बास्केट के अंदर वो सारी चीजें रखी हुई हैं. सेकेंड आप देखोगे कि इन दोनों बास्केट्स में मिडिल एंड द लेफ्ट वन इसके अंदर मैंने अपने रखे हुए हैं जो मेरे क्लीनिंग क्लोथ्स होते हैं, जैसे कि किचन के जो क्लोथ्स हैं और जो मेरे माइक्रोफाइबर क्लोथ्स हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं. इस वाली एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फेक फ्लावर्स रख दिए हैं और इस बोल के अंदर जो भी कुछ क्लीनिंग के टाइम पर कुछ चीजें निकल जाती है, मैंने चेक पॉकेट्स, कुछ कॉइन्स हैं या फिर कुछ बटन्स निकल गए, तो वो सारी की सारी चीजें मैं इस बाउल में रख देती हूँ एंड देन आई टेक देम बैक टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस. तो ये तो हो गया प्रीटी मच अबाउट हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड द टॉप ऑफ माय वॉशिंग मशीन. और अब इस मिडिल शेल्फ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने तीन बास्केट्स यूज करी हैं, दो बड़ी ब्लू बास्केट्स हैं और एक छोटी वाली बास्केट है. अब इसके अंदर मैंने अपने सारे लॉन्ड्री एसेंशियल्स रख रखे हैं. तो जो सबसे बड़ी वाली बास्केट है इसमें मैंने रखा हुआ है हमारा फैब्रिक सॉफ्टनर, सर्फ एक्सल, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है वॉशिंग पाउडर है, वेनिश है, ये सारी की सारी चीजें मैंने इस बड़ी वाली बास्केट में रखी हुई है. तो अब आप इस वाली बास्केट में अगर देखेंगे तो मैंने जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जो स्टेन ट्रीटमेंट से रिलेटेड या फिर जो स्मेल ट्रीटमेंट के रिलेटेड जो स्टफ है वो सारा का सारा मैंने इस छोटी सी बास्केट में ऑर्गेनाइज करा हुआ है. जैसे सबसे बैक में मैंने रखा हुआ है विनेगर, उसके बाद में मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एक रिवाइव, वैनिश, डिटॉल, उजाला, ये सारी चीजें. और अब मैं लेफ्ट साइड में देखूंगी कि इन दो प्लास्टिक बॉक्सेस के अंदर एक में तो मैंने रखे हुए हैं DIY फैब्रिक सॉफ्टनर या फिर DIY ड्रायर शीट्स और पीछे में मैंने रखी हुई है ड्रायर बॉल्स. इस ड्रायर बॉल्स का जो लिंक है मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको अमेजोन पे अगर मुझे मिल जाता है तो आई ट्राई टू लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब ये वाली जो लास्ट वाली जो बास्केट है इसमें मैंने रखे हुए हैं मेरे जो लॉन्ड्री के मैश बैग्स हैं. अब क्योंकि ये मैं सोच रही थी ये गंदे ना हो तो इसको मैंने एक ऐसे फ्लैप वाले बॉक्स के अंदर रख दिया बास्केट में ताकि वो गंदा ना हो. तो इसमें मैंने अपने सारे लॉन्ड्री वाले जो भी मैश बैग्स हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा हुआ है. अब क्योंकि मुझे ना अभी दो दिन पहले किसी ने ये कॉमेंट करा था मेरे कम्युनिटी टैब के ऊपर कि आप ये सब सामान रखते हो तो ये गिर भी तो सकता है, हवा ही तो गिर जाएगा फिर. एंड व्हेन आई केम बैक होम माय हस्बैंड आल्सो क्वेश्चन मी द सेम क्वेश्चन कि अगर कभी ये गिर गया तो. सो आई थॉट कि क्यों ना यार एक जिप टाई की हेल्प से मैं इन जितनी भी बास्केट्स हैं उनको मैं अच्छी तरीके से जिप टाई कर दूं ताकि वो गिरे नहीं. तो यहाँ पर मैंने वही करा हुआ है कि इन वायर में होल्स थे तो मैंने जो स्टैंड के जो पोल्स हैं उस पर इनको अच्छी तरीके से टाई करके रख दिया ताकि वो बिल्कुल खत्म हो जाए वो प्रोबेबिलिटी गिरने वाली. अब अगर मैं बात करूं मेरे मशीन के जस्ट फ्रंट में तो इस वॉल के ऊपर मैंने एक लगाया हुआ है यहाँ पर एक ब्रूम ऑर्गेनाइजर. इसमें मैंने अपने सारे जितने भी मेरे वाइपर्स, डस्ट पैन या फिर झाड़ू, ये सब चीजें मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करी हुई है. तो यहाँ पर मैं मशीन के जो ये लेफ्ट साइड है वहां पर कुछ प्लम्बिंग का जब काम चल रहा था तो कुछ तोड़ा फाड़ी हो गई थी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो मेरे ये जो पुराने जो गिफ्ट पेपर्स थे उनको मैंने यहाँ पर सारा का सारा इस वॉल के ऊपर स्टिक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ डबल साइडेड टेप. तो ये तो था मेरा यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट्स कि ये अब एरिया जो है वो थोड़ा सा सुंदर हो गया है, ऑर्गेनाइज्ड है. एंड ऑल थैंक्स टू यू गाइस बिकॉज आप लोगों ने मुझसे इतना मुझे मोटिवेट करा. देन आई थॉट कि फर्स्ट आई शुड गिव अ मेकओवर टू माय यूटिलिटी एरिया, देन आई एम गोना शेयर ऑल द ट्रिक्स एंड डिटेल्स ऑफ हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन. और मुझे प्लीज नीचे कमेंट करिए या कम्युनिटी टैब में या मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी मुझे कमेंट्स करिए और ये बताइए कि और किस तरीके के वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे मेरे इस चैनल के ऊपर. और एक और चीज, वो रेंट वाले नहीं होने चाहिए, रेंट के भी हो या फिर अदर देन रेंट अगर आपको कुछ और एरियाज या कुछ और टॉपिक्स के बारे में अगर हमें बात करनी है तो मुझे कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या देखना है आगे, ताकि मैं उन आइडियाज के बारे में फर्स्ट आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज आइडियाज. तो दिस इज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो. आई रियली होप यू गाइस लाइक और डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बाय बाय.